पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज सूरजपुर के इंडोर स्टेडियम में किसानों से रूबरू हुए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में राशि का अंतरण किया गया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि प्रदेश में लगभग 23,78,000 किसानों को 1,720 करोड़ रुपए खाते में अंतरण किया गया। वहीं गौधन न्याय योजना और भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना के तहत भी हितग्राहियों को राशियों का अंतरण किया गया। कुल 1,804 करोड़ रुपए का अंतरण सरकार द्वारा किया गया है। इस योजनाओं का लाभ 4 किस्तों में हितग्राहियों को मिलना है, जिसकी पहली किस्त आज प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को दी गई है। सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट। आज राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है और राजीव गांधी से देश के लिए बहुत कुछ किए। 18 साल की उम्र में वोटिंग अप थे, संचार क्रांति का आज हम लोग दूर से बात कर रहे हैं, उनकी उन्हीं का देन है। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बहुत से ऐसे किसानों के लिए काम शुरू किए हैं, उसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना तो लगभग इसमें 23,70,000 के करीब किसानों को 1,720 करोड़ राजीव गांधी को न्याय योजना के तहत उनकी राशि उनके खाते में अंतरित की गई है। और दो अन्य जो योजनाएं हैं, गोधन न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, उसके भी राशि आज अंतरण की गई है। तो कुल राशि जो अंतरण की गई है वो 1,804 करोड़ की राशि अंतरण की गई है। अब ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। ये 4 किस्त में हम लोग देते हैं। प्रथम किस्त है ये, इस समय किसानों के लिए बड़ा हो रहा था कि खेती की शुरुआत होगी, तैयारी करना भी खेती करना, तो ये पहला किस्त में देते हैं। पहले क्या है कि हम नए बीज खरीद नहीं पाते थे, अपने पास पैसा उपलब्ध नहीं होता। आज जो है पैसा भरपूर हो रहा है, धान बेच रहे हैं सोसाइटी में, सही उसका मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो हमको आज कई गुना जो है आदमी को पैसा प्राप्त हो जा रहा है। इससे हम अपने परिवार को अच्छी ढंग से मैंने ले चला रहे हैं और बाल गोपालों को भी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी तरह से दिला रहे हैं। और पहले कोई योजना नहीं था, कोई धान खरीदने बिक्री का करने का कोई ये नहीं था, तो पैसा हम कहाँ धान बेचें, रह जाता था, सड़ जाता था, खा जाते थे, कोई पैसा उपलब्ध नहीं होता। और आज जब से सरकार बनी है तो हम सही मूल्य पर धान बेच देते हैं और नकदी पैसा प्राप्त होता है।